बागली की चापड़ा में भारतीय किसान संघ के बैनर तले विकासखंड स्तरीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किसानों द्वारा किया जा रहा है। शुक्रवार को धरने के चौथे दिन रंगपंचमी पर्व होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंचे और धरना जारी रखा। धरने के चौथे दिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री दिनेश कुलकर्णी और भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री दिनेश पाटीदार धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, किसानों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री दिनेश पाटीदार ने कहा कि जो अन्नदाता देश की जनता का पेट भरता है, आज उसे ही सड़कों पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यह प्रदेश के राजा के लिए प्रश्न चिन्ह है। वहीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री दिनेश कुलकर्णी ने कहा कि यदि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो किसानों को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है, जरूरत पड़ी तो हम वह भी रुख अपनाएंगे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। फसल एक बार दो बार तीन बार करने की स्थिति आ जाती है, उससे रोजगार बढ़ता है, फसल के साथ में अनेक प्रकार के व्यवसाय बढ़ जाते हैं और पूरी देश की अर्थव्यवस्था को उसमें से गति मिलती है। जैसे कि हम सब लोगों ने देखा कि इस कोविड के दौरान, एक साल भर उसके हो गया अभी कोविड को, इस कोविड के पूरे साल भर के समय का अगर हम लेखा जोखा करते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें अगर सबसे जिसकी अबाधित रूप से गति चलती रही होगी, थोड़ी थोड़ी बीच में कुछ दिक्कतें, अन्न देने वाला सड़क पर बैठा है, ये राजा के लिए प्रश्न चिन्ह है। जल से सबका हित होने वाला है, केवल धरती पर हमारी संस्कृति ये मानती है और हमारी संस्कृति सबके सुख की कामना करती है, सर्वत्र सुखिन संतु सर्वे संतु निरामय, ये सिर्फ हमारी संस्कृति कहती है। हम जल अगर मांग भी रहे हैं और तुम्हारी योजना में बहुत ज्यादा हेर फेर नहीं हो रहा है, जल मांग रहे थे, इससे सब दूर चौहोर सुख बढ़ने वाला है। केवल किसान का घर नहीं भरेगा, हमारी गाय माताओं को अच्छा चारा मिलेगा, भैंस को अच्छा चारा मिलेगा, सबको दूध मिलेगा, सबको मावा मिलेगा, पंछियों को अन्न मिलेगा, वृक्ष रहेंगे तो छाया मिलेगी। ध्यान नहीं दे रही है सरकार, कौन सी है इससे किसान संघ को मतलब नहीं है। किसान संघ तो किसानों के हितों की बात करता है और उस दृष्टि से इस क्षेत्र में जो परियोजना सिंचाई के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिली है तो इस क्षेत्र के किसानों का यह अधिकार बनता है और उस अधिकार की लड़ाई किसान संघ लड़ेगा। नर्मदा लाओ मालवा बचाओ, ये 2007 से जो किसान संघ का अभियान चल रहा है, इसकी शुरुआत भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने की, जबकि इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई परिकल्पना ही नहीं करता। तो इसलिए जहां जहां भी किसानों के हितों के प्रश्न आते हैं, उस हितों के प्रश्नों को लेकर किसान संघ अपना आंदोलन खड़ा करता है और उसमें सफलता हासिल करके ही रहता है। तो जब तक इस क्षेत्र को, जो कि इस के अधिकार की बात है, जिसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल चुकी है, उसका जल्दी से जल्दी प्रशासनिक मंजूरी भी मिलनी चाहिए और इस दृष्टि से भारतीय किसान संघ निरंतर अपना आंदोलन जब तक सफल नहीं होता है तब तक चलाते रहे। आपके हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।